सहेलियां बात करती रही, तब तक सिद्धार्थ गौतम वहां से राजगिरी में पहुंचे हैं। राजगिरी में भिक्षाटन कर रहे हैं। जो व्यक्ति देखता है वो असमंजस में पड़ जाता है, ये कैसा बैरागी है, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम के अंदर 32 ऐसे लक्षण थे जो कुछ दिखाई दे रहे थे, कुछ नहीं दिखाई दे रहे थे। याद रखना, जब ये सूचना महाराज बिंबसार जो उस राजगिरी के राजा थे उन्हें पता चला है कि हमारे राज्य में कोई ऐसा बैरागी आया है जिसकी प्रशंसा सारे नगर में हो रही है, सारे नगर में हो रही है। तो उसी समय महाराज बिंबसार ने विचार किया, हमें भी ऐसे बैरागी के दर्शन करने चाहिए। जब तक महाराज बिंबसार सिद्धार्थ गौतम को खोजने के लिए ढूंढने के लिए आए हैं, तब तक सिद्धार्थ गौतम हनुमान नदी पांडव पहाड़ी के लिए रम चुके थे। पीछे से महाराज बिंबसार ने विचार किया, चलो चलते हैं, कौन है, जा करके उसी पांडव पहाड़ी पर पहुंचे हैं। महाराज बिंबसार ने सिद्धार्थ गौतम को दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जवाब दिया है, अपना परिचय दिया कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ, आप कौन हैं, कहाँ से हैं? तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा है, मैं कपिलवस्तु गणराज के महाराज सुद्धोधन का पुत्र सिद्धार्थ गौतम। उसी समय जब सिद्धार्थ गौतम की वाणी से सिद्धोधन का नाम सुना है, तो उसी समय महाराज बिंबसार ने कहा है, अरे गौतम, आप तो हमारे मित्र के पुत्र हो, मगर फिर भी आपने छोटी सी उम्र में बैराग्य की उदाहरण किया है, क्या हुआ? जवाब दिया है, तात, इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति परेशान है, किसी ना किसी समस्या से हर कोई वंचित है, हर कोई दुखी है, इसका कारण है, अगर कारण है तो निवारण है, इससे कैसे बचा जा सके, इसलिए मैंने अपने परिवार का त्याग किया और मैं ज्ञान को खोजने के लिए आया हूँ, मैं ज्ञान को खोजने के लिए आया हूँ। सिद्धार्थ गौतम को पहले समझाया महाराज बिंबसार ने, बेटा मान जाओ, तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम्हारी उम्र अभी बारी है। लेकिन गौतम ने एक नहीं मानी, जवाब दिया, नहीं राजन, आप हमारे रास्ते में बाधा ना बने। महाराज बिंबसार ने यहाँ तक कहा है कि आप हमारा आधा राज्य ले सकते हो, लेकिन जाओ ना। गौतम ने एक नहीं मानी। अंत में सिद्धार्थ गौतम को समझाने के बाद महाराज बिंबसार ने कहा, गौतम, अगर आप मानते नहीं हो तो आपसे मेरी एक विनय है, एक विनती है, अगर आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरी विनय आपसे यह है, जब आप बुद्ध हो जाएं, जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो आप हमारे नगर राजगिरी में आकर के वो ज्ञान मुझे जरूर बता जाना जिसे तुम खोजने के लिए जा रहे हो। लेकिन लला, हर ज्ञान प्राप्त हुई जाएगी गौतम, तब हमारे द्वारे आइयो। में जवाब दिया है कि अगर तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाए तो आप हमारे नगर में आकर के वो ज्ञान जरूर बता जाना जिसे तुम खोजने के लिए जा रहे हो। सिद्धार्थ गौतम वहां से बिंबसार को समझाने के बाद बिंबसार महलों के लिए लौट आए, और जब महलों के लिए लौट करके चले आए, इधर सिद्धार्थ गौतम ने वहां से विचार किया है, मुझे किसी गुरु की तलाश करनी चाहिए जिससे मुझे ज्ञान मिले कि ज्ञान प्राप्त कैसे होगा, कोई तो हो जो मुझे रास्ता बताए। तब सिद्धार्थ गौतम उसी पांडव पहाड़ी पर ठहरे हुए हैं। इन्हें पता चला है कि ऋषि हैं, रामपुत्र उद्दत्त उन
इनके आश्रम पर पहुंचे हैं। वहां थोड़े दिनों तक इन्होंने समय व्यतीत किया। समय व्यतीत करने के बाद एक दिन मौका मिला है तो राम पुत्र उद्धव से पूछने लगे हैं, ऋषभ मुझे एक बात बताओ, इस संसार में प्राणी इतना दुखी क्यों है, जन्म लेता है मरता है, क्या कारण है? उन्होंने जवाब दिया, मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। जवाब दिया, कौन है जो इस प्रश्न का उत्तर बता सकता? उन्होंने कहा, ऐसा कोई है तो वो आलार कलाम है, उनके पास चले जाओ। तब आलार कलाम एक ऋषिवर हुए हैं, शंकर दर्शन के एक महर्षि कहलाए हैं, जिनके यहाँ तपस्या की विधि का ज्ञान था। बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम वहां से आलार कलाम के पास पहुंच